हापुड़ की घटना को लेकर नोएडा के अधिवक्ताओं ने हड़ताल कर प्रदर्शन किया। सैकड़ों अधिवक्ताओं ने रोड का जाम कर विरोध प्रदर्शन किया। हापुड़ प्रकरण पर पश्चिम उत्तर प्रदेश हाईकोर्ट संघर्ष समिति के आह्वान पर और उत्तर प्रदेश बार काउंसिल के आह्वान पर ये रोड जाम किया गया था। सांकेतिक रोड जाम था ये कि 15 मिनट तक रोड जाम किया जाएगा शांतिपूर्वक। मांगे हैं कि हापुड़ प्रकरण में दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई, एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट को लागू करना, तीसरा DM SSP का ट्रांसफर। जब तक ये मांगे पूरी नहीं हो जाएंगी तब तक हड़ताल जारी रहेगी। उत्तर प्रदेश की बार काउंसिल के आह्वान पर अधिवक्ताओं ने 15 मिनट रोड जाम कर प्रदर्शन किया। हापुड़ में जो अधिवक्ताओं के साथ में बर्बरता नियते अधिवक्ताओं पर जो लाठी चार्ज की गई थी उसी के विरोध में जो है लगातार कंटिन्यू हड़ताल चल रही थी। इस पर जो है पूर्वी उत्तर प्रदेश की बार एसोसिएशन और बार काउंसिल उत्तर प्रदेश के आह्वान पर आज जो है सड़क जाम करने का उसका उद्देश्य जो है 15 मिनट के लिए रास्ते को अवरुद्ध किया गया था शांतिपूर्वक, और अधिवक्ता अपने रास्ते को जाम कर फिर तुरंत वापस अपने चैम्बरों में आ गए थे। हापुड़ की घटना में दोषियों पर कार्रवाई और अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया गया। देखिए पिछले 29 तारीख को हापुड़ में एक बर्बरता पूर्ण हमारे अधिवक्ता साथियों को मारा पीटा गया है। इसके संबंध में उसी दिन से हम लोग हड़ताल पर चले। हमारी कुछ मांगे हैं, उन मांगों को लेकर हमने आज प्रोटेस्ट किया है। केंद्रीय संघर्ष समिति पश्चिमी उत्तर प्रदेश के आह्वान और बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के आह्वान पर हमने अपने न्यायालय के मुख्य गेट संख्या 1 के सामने मुख्य जो मार्ग है उसको 15 मिनट के लिए अवरुद्ध किया है और उसमें मानव श्रृंखला बना के हम लोग वहाँ खड़े होकर शांतिपूर्वक धरना देने के बाद अपने चैम्बरों में वापस आए। सूरजपुर थाना क्षेत्र के जिला न्यायालय के बाहर रोड पर प्रदर्शन किया गया।